भैया बताएं कि किस तरह से पारधियों ने इस पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था और आज इस ये नौबत कैसे आई? पारधियों ने इस क्षेत्र को, अब मेरे पास कहने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से आतंकित करके रखा था जनता को। मतलब वो जो एक शोले का डायलॉग सुना होगा, गब्बर सिंह आता है, आपने सुना होगा, उसी स्थिति में इस क्षेत्र के बच्चे और बूढ़े और सब आम जनता इतनी परेशान थी कि उसके पारधियों के नाम से दहशत खाती थी और अपने घरों से रात के सुबह भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस तरह के अपराध करते थे? ये करते थे, मेरे ख्याल से सबसे वैसे ही क्रिमिनल जाति के लोग है, क्राइम करना इनका पैसा है। आप लोग ये सामने अभी देख रहे होंगे, बिल्डिंग की भी आपने देखी होगी, ये सिर्फ और इनके पास टाटा सफारी, टाटा सहरा जैसी गाड़ियां हैं, ये कहां से आई? इन लोग का अपराध करना, पहली बात तो ये लूट करते हैं गाड़ियों को, लूटते ट्रकों को, क्षेत्र के किसानों को, ये खड़ी फसल उनकी काट के ले जाते हैं तो किसी सरपंच की, ये क्षेत्र सज्जन लोगों का क्षेत्र है और महिलाओं को छेड़छाड़, महिलाओं के गहने जेवर जाटे सब छुड़ाते हैं और कैसे ऐसे कई बहुत सारी चीजें हैं। आपके जानवर अगर किसी किसान के ले आए तो किसी उसकी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आके बोल दे कि हमारे जानवर आपने क्यों लगाए। सर, प्रशासन ने आज तक क्या किया है इनको हटाने के लिए? पुलिस और प्रशासन ने किया, ये पुलिस वाले भी यहाँ मार खा के गए, ये हुआ यहाँ पर। अब इसके पूर्व में एक घटना, एक टीआई ने यहाँ पर हमला जरूर बोला था, पूरे प्रशासन को लेके आई थी इनको हटाने के लिए, पर यहाँ से पुलिस वाले भी पिट के गए। प्रशासन पूरा उनके हित को, मतलब पक्ष में नहीं था, पूरे उनके खिलाफ में था, पर उनके भी दायरे है प्रशासन के अपने की कहाँ जाना है, क्योंकि आजकल मानव अधिकार आयोग और तमाम तरीके की चीजें है और कई राजनीतिक पार्टी के लोग इसका फायदा उठा के लोगों को फंसाने का काम। इसके पूर्व में एक चौहान टीआई थे, ये प्रत्यक्षदर्शी जो है